ये देखो भाई ऐसा ब्लैक है, इसका सा ट्रैक है। मोदी जी को भी नहीं पता है रास्ता कहाँ जा रहा है, पेड़ गिरा गिरा के रास्ते बना रखे हैं। मोदी जी कहेंगे मैंने भेजा था। न्यूज़ है क्या ये? ये देखो भाई सीधी दीवार है चढ़ने के लिए, पूरी बाल्टी जम गई है पानी की। हॉट वाटर स्प्रिंग जहाँ पे वहाँ आएंगे, थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर, तो यहाँ से पानी खाली कर दिया भाई। और नीचे गुड मॉर्निंग, और आज है हमारी ट्रिप का डे थर्ड, और हम लोग निकल पड़े हैं खीरगंगा ट्रैक पे। हम लोगों ने बरसैनी बस स्टैंड, वो देख रहे हो आप मेरे पीछे, ओहो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है साइड में। हाँ तो वो देख रहे हो आप लोग मेरे पीछे, वो है बरसैनी का बस स्टैंड। यहाँ से हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट हुआ है, और हमारे बिल्कुल जस्ट नीचे बहुत प्यारा सा डैम है पूरा, और हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और बाकी सारे पीछे खड़े हैं। ओ वासु भाई जयकारा तो लगवाते, स्टार्ट हो गया तो भाई जयकारा लगवाने की पावर नहीं दे अंदर। बोलिए श्याम प्यारे की जय। चलो चलो भाई, और धीरे धीरे अपडेट देता रहूंगा मैं साथ साथ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्लैक आइस में फिसल चुका हूँ मैं। ये देखो भाई ऐसा ब्लैक आइस का सा ट्रैक है, तो थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है ना। हम लोग टोटल हैं 13, और जो अभी धीरे धीरे सबकी बैंड बजने वाली है ना, मुझे पता है, धीरे धीरे दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा। अभी पहले वहाँ मिलते हैं आगे, जहाँ पे हमें राजमा चावल खाने हैं, कलगा पे बोल रहे हैं आई थिंक। ठीक है तो चलते हैं फटाफट। तो भाई बहुत थोड़ा सा ट्रैक करा, अभी मेरे ख्याल से 100-200 मीटर ऊपर आए होंगे, और कलगा में आई थिंक अभी हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट ब्रेक। तो अब फटाफट यार अब नहीं वेट हो रहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख बहुत तेज लग रही है, सब लपेटते हैं और फिर आगे चलेंगे, और दिखाता हूँ भाई सबके क्या हाल चाल है। राजमा चावल खाने के बाद हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर लिया है, बाकी सब लोग वो आ रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि भाई रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है खीरगंगा ट्रैक का। मैं देखूंगा, मैं तो एक बार और आऊंगा भाई यहाँ पे, जो भी चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, मैं 2-3 बार आ ही जाता हूँ वहाँ पे, श्योरली यहाँ पे भी आऊँगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक रिएक्शन कैसा है, और किसी का रिएक्शन दिखाना था नहीं दिखाना था, इस लड़के का ज़रूर दिखाना था। सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड ये था ट्रैक पर आने से पहले। हाँ भाई क्या सीन है, क्या सीन है, फटी पड़ी है अभी से। हाँ। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। ओ भाई भाई मेरा 110% दोनों बंदे बस भाई आग लग गई। सबको मोटिवेट करता हुआ हमारा आयुष। चलो चलो साहिल की क्या हाल चाल है? हाँ मजा आ रहे हैं। आजा 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 आजा। करण तो अभी पूछ रहा था क्या हुआ, अभी कितनी देर में पहुंचेंगे। भाई झूठ बोल के ले आया, वैसी लीवर की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ ट्रैक पे और भाई ये हमारे हैं कोच साहब, गाइड साहब, हमने नीचे से देख ले लिया था भाई, हमारे साथ चल रहे हैं खतरी भाई, हमें लीड कर रहे हैं खतरी साहब। भाई लुक देखो आप इनका, थोड़ा आगे तक। अच्छा नेटवर्क कहाँ तक है लास्ट? 3 किलोमीटर तक एयरटेल है। अच्छा थोड़ा उसके आगे तक भी चलेगा। अच्छा उसके बाद कोई भी ऊपर पीक पे कुछ नहीं है? ऊपर तो कुछ नहीं है, एक ही कैंप साइड है, वुडलैंड कैंप साइड है उसका, वहाँ वाईफाई मिल जाएगा। अच्छा 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 चलो वाईफाई ठीक है। 3 जने हमारे ट्रैक को लेट करते हुए। ओ, कोई ट्रैक लेट नहीं है, एक तो आगे वही बहुत बड़ी ट्रैक तो लेट होगा। मोदी जी को भी नहीं पता है रास्ता कहाँ से आ रहा है, पेड़ गिरा गिरा के रास्ते बना रखे हैं। मोदी जी कहेंगे मैंने भेजा था। ओए मेल डाले मोदी जी को, अरे रोड बनवाओ। चलो चलो रास्ता तो है नहीं। और भाई अभी की अपडेट ये है कि हमारा ऑलमोस्ट हाफ ट्रैक कवर हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़ारे हैं यार मेरे पीछे देखो, उधर प्यारी धूप निकली है, और यहाँ पे बढ़िया बहुत ठंड है, इनके झरने की आवाज़ आपको आ रही होगी। और भाई हमारे ग्रुप में से बस हम कुछ 4-5 लड़के हैं जो आगे, बाकी सब पीछे रह गए हैं, और हमें कुछ नए भाई दोस्त लोग मिले, बैठ के बातें कर रहे थोड़ी सी। उसके बाद अब ये बस एक छोटा सा हॉल्ट था, अब इसके बाद मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर बाद और रुकेंगे, थोड़ी सी ब्लॉगिंग कम कर दी है क्योंकि ट्रैक जल्दी कवर करना है। देर होने से पहले आयुष आ गया, मजा आ रहा है भाई। नॉट सही, नॉट हार्ड। हाँ बोल सकते हैं भाई, 13 लड़कों में से 5-6 चल रहे हैं। आएंगे सारे, हम ऊपर बैठ के खाना खा रहे होंगे, आ जाएंगे सारे। झरना
वो झरने की आवाज़ ही आ रही है, झरना अभी दिखेगा नहीं यहाँ से, नहीं दिखेगा यहाँ से झरना, नहीं दिखेगा भाई, झाड़ियाँ बहुत हैं, कोई नहीं ऊपर जाके और प्यारे व्यू हो जाएंगे। चलते हैं यार, काफ़ी देर तक हम लोगों ने काफ़ी इजी ट्रैक कवर करा है, बहुत फ्लैट सरफेस ही था मोस्टली, अब दिखाया कुछ थोड़ा सा, अभी तक हम जो दिखा रहे थे ना स्टीप दिखा रहे थे, अब भाई उसने एक वर्ड में डिनोट करा, इसको मैं दिखाता हूँ फिर बताता हूँ क्या ये यूज है, क्या ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये देखो भाई सीधी दीवार है चढ़ने के लिए, चलो ओहो भाइयों, इजी है तो हार्ड भी है भाई, बहुत देर से इसी चीज का वेट कर रहे थे हम लोग, लग रहा है इतना बड़ा चढ़ बड़ी जल्दी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पार्ट, अब तो थोड़ा सा स्ट्रेट ट्रेल है। और भाई मेरे पीछे आप लोगों को बहुत तेज एक शोर आ रहा होगा वाटरफॉल का, और भाई मैं बता दूँ उस बहुत स्टीप चढ़ाई के बाद हमें जो नज़ारे मिले ना भाई, वर्थ वर्थ वर्थ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार, ये देखो भाई वाटरफॉल के पास हमारा हुआ एक टी ब्रेक, और टी ब्रेक के साथ साथ हमें मिले दो नए दोस्त, एक येरा और एक येरा, ओले भाई चाय निपटा दो फिर चलते हैं अभी यहाँ से, हमारा चाय पीऊंगा, चाय का रेट भाई खीर गंगा 4 रुपए की खीर गंगा, खीर गंगा चाय का रेट है भैया 40 रुपए, हमने नहीं 5 चाय चाय पीऊंगा, 11 रुपए चाय पीऊंगा, ले ले भाई, अब हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा ट्रैक कवर हो गया, हमारा यहाँ से बचा है इस वाटरफॉल के बाद 5 किलोमीटर, अभी फटाफट चाय पीते हैं और निकलते हैं भाई आगे, बाय बोल दे, बाय बोल दे, बाय बाय बोल, बाय बाय बोल, बाय बोल, ये आ गए भाई, बाकी सब आ गए, वासु भी आ गया भाई, साहिल वासु सब आ गए, मर जाए ऑक्सीजन की कमी हो जाए सर फट जाए, एम्बुलेंस कहाँ से लाए, चौधरी साहब आके भाग गए, देख साहिल को देख कितने मजे ले रहा, हाँ भाई साहिल उसने पता नहीं कैसी चाबी भरी हुई है, ओहो प्रधान जी भागे जा रहा है, मुश्किल मेरे को लग रहा है इसका स्टमक ठीक हो गया होगा आज, 2 महीनों की कार्डियो करवा दी तूने आज, और ये 10 किलो का बैग लग रहा है मेरे को, तूने गलत तरीके से टांगा ना इसलिए, अरे हमारे प्रधान जी ने पता नहीं कौन से रॉकेट लगा लिया अपने पीछे, अब ना रुक रहा है छोरा, ओम नमः शिवाय का नाम लो, चलते चलो अब मिल गए भाई यहाँ पे सारे, और सारे साथ ही जाएंगे यहाँ से, चाय नाश्ता सबका हो गया है, अब यहाँ से बचा है 5 किलोमीटर, चलो जल्दी आ जाओ, अभी जो तू चढ़ के आया ना 5 मिनट रुका बाप, 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं होगा भाई 5-3 को प्रधान जी हमको लीड करते हुए, चलो प्रधान जी हेलीकॉप्टर को मार दो जल्दी जाना है, ओहो उड़ के जाएंगे अब तो, और ये भाई हमारे दोस्त 2 से 3 हो गए, रॉबिन की फौज करेगी मौज, आते आते अब लास्ट के 2-3 किलोमीटर बचे हैं, और ये देखो ब्लैक आइस मिलने लगी है, कौन सा डायलॉग, कुछ नहीं मैं वही कह रहा हूँ ट्रैक को लेके भाई, कुछ सीने में आ गए मेरे, ओहो जब ट्रैक की बात होती है ना, भले ही फिटनेस ना हो वो डर नहीं लगता भाई, चल पड़ो क्या ये डिफिकल्ट भाई, क्या ही होता है, सब दिमाग में है, इंसान पहले दिमाग से हारता है, शरीर से बाद में हारता है, बोरा बोरा लौंडा आ गया हमारा डेमोकॉर्गन, इसका नाम ही हो गया डेमोकॉर्गन, पता है क्यों, पीछे वो फ्लिप कर डेमोकॉर्गन दिखा सबको, फटके बाहर आ गए, 3 किलोमीटर है यहाँ से, जल्दी चल लो वापस, सारे यहीं बैठ गए, साहिल आना, अभी तो इतनी एनर्जी दे रहा था, सबका बुरा हाल हो गया है, ना ना देर में हाँ मान दो सर, चलो भवन आने वाला, आजा आजा आएगा तेरा भवन आएगा,
जल्दी चलो पैन लटका कैसे बोल रहे हैं रोबिन रोबिन का प्रधान जी ओए हेलीकॉप्टर वाले हेलीकॉप्टर चला दे हेलीकॉप्टर चला दे प्रधान जी गाइस ये सारी गलती दिल्ली का पोल्यूशन की है। अच्छा तो एक घंटे में चढ़ जाता मैं और बाकी अंकित भाई को भी कंपनी देनी होती है। स्टमक सही है ना तेरा? हाँ स्टमक सही है। रोबिन कैसा लग रहा भाई? हैप्पी हैप्पी कुछ ताकत वाकत दे भाई। दे तो दी। अरे हाँ चॉकलेट जल्दी खा ले। और अब तू रुका ना ये लट देख रहा है। चलो काशो भाई आप ऊपर मिलेंगे भाई बैठेंगे। ये लट ऐसी जगह बजेंगे ऊपर ना तू बैठने का रहेगा ना सोने का। हाँ तो रहा हूँ। प्राणी क्या खा कर आयो तुम? तो भाई अगर आपको दिखना रहा हो तो थोड़ा जूम करके दिखाऊं कि ट्रैक कितना ब्यूटीफुल है। ये देखो भाई यहाँ से प्रॉपर जा रहा है झरना और एकदम वाइट पानी दूध जैसा। और थोड़ी दूर जाके भाई यहाँ देखो स्टिल पूरा सी ग्रीन है। बहुत पार्वती रिवर भाई बहुत प्यारा ट्रैक है। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले। कितना बज गया यूज़? 4:42। चलो एक घंटे में पहुँचेंगे 5:30 बजे अंधेरा होने से पहले। भाई ट्रैक को मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे पीछे का ये वाटरफॉल देख लो आप भाई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है आपको। मैं ऐसे नहीं मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। और ये हमारा वाटर ब्रेक। साहिल कितना ठंडा पानी है? बहुत ठंडा पानी है मज़ा आ रहा है। पी जल्दी पी मेरे को भी दे भीग गया। चल चल कोई जल्दी पी मेरे को दे। सो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। अंधेरा होने से पहले ही पहुंच गए थे। थोड़ा रेस्ट वगैरह करा तो मैंने सोचा व्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं। अंधेरा हो रहा है पीछे सारे लड़के लोग बॉनफायर के मजे ले रहे हैं हम लोग भी जाएंगे। हाँ भाई साहिल और भाई कैसा था एक्सपीरियंस? बढ़िया था एक्सपीरियंस। बढ़िया था। क्या टाइम लगा आने में? क्या बढ़िया ट्रैक था। रास्ते में जो फॉल थे और जो अलग अलग नजारे मैं तो करूँ टफ होती कहाँ टफ यार टफ यार चढ़ाई थी ना टफ। ये इसने ट्रैकिंग बहुत कम करी नहीं इसलिए इसको टफ लग रही है। बहुत ईजी है और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है तो उससे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तो सोच रहा हूँ स्नो में कितना तगड़ा लगता है। हालत खराब हो गई थी अच्छा नहीं हुई आराम से आ गया ऊपर। अब यहाँ से भाई रात को बैठ के तारों के मजे लेने और बढ़िया खाना वाना खाएंगे बॉनफायर करेंगे सो जाएंगे और सुबह आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन सनराइज के साथ। मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम खीर गंगा। और अभी हम लोग बस जस्ट सो के उठे हैं अपने कैंप से बाहर आए हैं और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। बाकी सब अभी सो रहे हैं। जो जो उठ गया है उनमें से है भाई अरुण और दीपक कमांडो और भाई डेमोकॉर्कन भी उठ गया सुबह सुबह और भाई उधर पाजी हैं अपने हरजोत पाजी। बस अभी हम लोग सब वेट कर रहे हैं किचन खुल जाए थोड़ा सा गर्म पानी पीने को मिल जाए हम सबको फिर उसके बाद सबको उठा के लेके चलेंगे ऊपर हॉट वाटर स्प्रिंग जहाँ पे वहाँ नहाएंगे उसके बाद नीचे चलेंगे। तब तक हम यहाँ पे भाई नज़ारे देख रहे हैं और आप लोग भी टाइम लैप्स से मजे लो। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई ठंड कितनी है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ब्रश करने आए थे और इसके चारों साइड भी बर्फ़ जमी हुई है। बहुत मुश्किल से ब्रश करा हाथ सुन्न हो गए। और भाई उससे पहले मैं दिखा दूँ ये देख रहे हो पानी ये एक्चुअली में पानी नहीं यहाँ ये देखो पूरी बाल्टी जम गई है पानी की। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितनी ज़्यादा ठंड है। कपड़े रखे थे इसमें वो भी जम गए सब पानी के साथ ही। बहुत ठंड है भाई जगह जगह सारे में बर्फ़ जमी हुई है। और मेरे ख्याल से अगर मैं अभी टेम्परेचर देखूं तो यहाँ पर मुझे -5-6 तो दिखेगा। तो भाई ऐसा सा यहाँ पर कुछ ठंड का हाल।
अभी तो मजा आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी सबकी थोड़ा बहुत की बैंड बजी हुई, भाई ठंड लग रही है, बाहर ही नहीं निकल रहे हो टेंट से, और हम लोग बस वेट कर रहे थे किचन खुलने का, और किचन अब खुल गया। भैया कह रहे बस 15 मिनट रुको, मैं सबको गर्म पानी देता हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी पियेंगे, थोड़ी जान आएगी शरीर में, अच्छा लगेगा, उसके बाद सारे बाहर निकल के चलते ऊपर हॉट वाटर स्प्रिंग पे। तो अब आप लोग लो टाइम लैप्स की वजह, हम लोग बस जस्ट सभी आए। और भाई ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, और हमारा कमांडो भाई लकड़ी ढूंढ के लाया खटी हुई, आग जलाएंगे, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, थोड़ी देर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अब तो भाई जल्दी आ जा दीपक, जल्दी लिया बॉटल लिया, पानी की जो भरी हुई थी साइड में रख के गर्म कर लेंगे उसके। भैया तो पता नहीं 15-20 मिनट में कब देंगे, हम खुद ही गर्म कर लेंगे बॉटल। भाई ये देखो कोई भी कैंप से बाहर नहीं निकल रहा था, और आग जली, बादाम भी आ गए, भानु लाया सबके लिए बादाम, और सब बाहर आ गए आग जल्दी, सबकी नींद खुल गई एक बार में, भाई इतनी ठंड लग रही थी सबको। ओ मज़ा आ रहा है भाई, पानी भी गर्म कर रहे हैं अपने साथ साथ पीने के लिए, उन्होंने तो दिया नहीं होता पानी, हाँ ठंडे हो गए पानी में, धोती हाथ सुन लो गए इसके। अरे भाई आग जलते ही सब लोग उठ के बाहर आ गए, क्योंकि मैगी भी मिल गई थी खाने को, सबको बहुत भूख लग रही थी, सब लग गए मैगी खाने में, अब मैगी खाएंगे फटाफट, बस चाय आएगी, चाय पी के यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और लेट हो जाएंगे फटाफट। साहिल ने तो खत्म भी कर ली, कह रहा मेरे को दूसरी मैगी दो। ओहो तू तो यार। अब नहीं मिलेगी, अपना काम कर, मैं खा रहा हूँ, बाय बाय बाय। तो भाई हम लोग फुल पावर से फुल एनर्जी से ऊपर आए कि हॉट स्प्रिंग में नहाएंगे, मजे करेंगे, मंदिर के पास आएंगे, पर यहाँ पे आके वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, पानी खत्म हो गया भाई, नहा बदल गया पानी, नहा तो रे, नहा 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 और कितना, आ जा भाई नहा ले जल्दी, कूद ताल में, भाई ये यहाँ से पानी वानी खाली कर दिया सब, क्यों करा खाली, क्यों कराई उस, कुछ आते हैं मारुती हमारी अच्छा संग कर देते लोगों को यहाँ पे, भाई वही यहाँ पे बोल रहे कि बैठते होंगे कुछ ऐसे ही लोग, ज्यादा तफरी काटते होंगे पानी में बैठने के बाद थोड़ा, और वैसे पवित्र स्थल बोल रहे हैं, ऊपर मंदिर है इनका पवित्र, तो थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर, तो यहाँ से पानी खाली कर दिया भाई, और नीचे वहाँ पे ऐसे 5-6 पाइपलाइन जैसे निकले हुए हैं, ऐसा बस नीचे 4-5 पाइप बना दिए नल की तरह, नहाओ और वहीं से निकलो भाई, यहाँ से स्विमिंग पूल बात हटा दिया, गायब कर दिया। दीपक कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था बता भाई, अरे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है पानी गर्म क्या होता है, हां मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, हिसाब क्या होता है साइंस बता, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू साइंस बता, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी अकॉर्डिंग, जो सबसे जो अपर लेयर होती है ना क्रस्ट बोलते हैं, कहीं पे ऊंची होती है कहीं पे नीची होती है, जहाँ पे नीची होती है ना पतली, वहाँ पे होता है नीचे लावा, लावा उसका गर्म होकर पानी बाहर आता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये देखा था, तो सर इसीलिए यहाँ पे है वो किसी किसी जगह पे, वहाँ पे क्रस्ट थोड़ी मोटी है तो निकल नहीं पाता, यहाँ पे क्रस्ट बहुत पतली है तो यहाँ से निकल जाता है, प्रेशर गर्म पानी है, प्रेशर हाई होगा बिकॉज ऑफ जो घुस लिए वो। और भाई इतनी ऊपर आए पानी नहीं मिला यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, मंदिर में दर्शन तो करते हुए निकलेंगे नीचे, वो कैसे मिस कर देंगे। हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पे ऑन आएंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पे ऑन आएंगे।
है।